हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वीट डिश चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए दोस्तों मावा की फैंसी रेसिपी। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर दो तरह की फैंसी रेसिपी बनाई है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा मीठा मावा, और इस मीठे मावे को इस तरह थोड़ा सा अच्छे से मसल कर इस तरह इसके दो पार्ट कर लेना है। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर इसके दो पार्ट कर लिए हैं, और अब जो दूसरा पार्ट है दोस्तों, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा केसर फूड कलर। अब हम दोस्तों इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो देखिए दोस्तों, कलर को जो है हमने यहाँ पर अच्छे से पूरी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमने दोस्तों जो आधा माल रखा था, अब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रूट चेरी, थोड़ा सा इलायची पाउडर, इसको भी दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको अच्छे से पूरी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम दोस्तों जो हमने इस मावे में केसर कलर मिलाया था, उसका इस तरह दो सौ ग्राम के लोए कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सारे के लोए कर लिए हैं। अब हम दोस्तों इस सफ़ेद माल में जिसमें हमने चेरी मिलाई थी, उसके दोस्तों 150 ग्राम का एक मोटा लोया कर लेंगे। अब दोस्तों, हमारा जो केसर कलर का जो मावा है, उसके अंदर इस चेरी वाले मावे को डालकर इस तरह कचौरी की तरह इसके अंदर भर देना है। इस तरह इसको अच्छे से भरने के बाद दोस्तों, इस तरह इसको रोल कर लेना है। इसी साइज में इसी तरह दोस्तों इसका जो है मोटा रोल तैयार कर लेना है। रोल को जो है दोस्तों इस तरह पेपर या पन्नी लगा कर रखना है, ताकि दोस्तों हमारे जो रोल है वो आपस में चिपकेंगे नहीं। सो दोस्तों, हम जो है यहाँ पर सारे रोल तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, हम यहाँ पर सारे जो रोल है दोस्तों तैयार कर लेंगे, और इसी तरह दोस्तों सारे को सभी को पन्नी लगा कर रखना है। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर सारे जो मावा के रोल है दोस्तों वो भर लिए हैं। इसको अच्छे से भरने के बाद दोस्तों, हम इनको जो है ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। सो दोस्तों, ये फ्रिज में रख के ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको दोस्तों यहाँ पर इस पाटे पर लाइन से अच्छे से जमा लेंगे। अच्छे से जमाने के बाद दोस्तों, अब हम इस पर चांदी के वर्क लगा देंगे। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर इस पर पूरी तरह चांदी के वर्क लगा दिए हैं। अब हम दोस्तों वर्क को जो है रुई से अच्छे से चारों तरफ से चिपका लेंगे। वर्क को दोस्तों अच्छे से चिपकाने के बाद, अब हम इनकी इस तरह कटिंग कर देंगे। इस तरह अच्छे से इसकी बराबर कटिंग कर लेना है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों, हम यहाँ पर सारे जो रोल हैं उनकी सभी की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों, अब हम इनको जो इस ट्रे में अच्छे से जमा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों, अच्छे से अच्छी डिजाइन बढ़िया सा जमा के रख लेना है। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है सारे रोल जो है इस ट्रे में अच्छे से जमा दिया है। और दोस्तों, हमारी जो रेसिपी है ये यहीं पर तैयार होती है। और अब हम दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे हमारी जो दूसरी रेसिपी हमने तैयार की थी, वो भी मावे की ही रेसिपी है दोस्तों। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़ा सा मीठा मावा और लिया है, इसको भी इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों, इस तरह इसके छोटे छोटे लोए कर लेने हैं। लोए को जो दोस्तों ध्यान रखना है, इसकी जो साइज है सभी की एक की होनी चाहिए, यानी कि एक सारे जो लोए हैं बिल्कुल बराबर होने चाहिए। सो दोस्तों, हम यहाँ पर जो है देखिए, सारे मावे के हमने लोए कर लिए हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आपको भी सभी जो मावे के लोए कर लेने हैं।
अब दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर ये लिया है कागज़ का पुट्टा। इसी तरह आपको भी ये कागज़ का लाइनिंग वाला पुट्टा लेना है, और इस तरह जो हमारा मावा है इसको अच्छे से मसल कर बिल्कुल इस तरह हल्का सा लंबा कर लेना है। इसी तरह अच्छे से इसको लंबा करने के बाद अब इसको तिरछा करके दोस्तों इस पुट्टे के ऊपर हल्का सा दबा कर इस तरह घुमा लेना है, ताकि दोस्तों इसकी जो अच्छे से डिजाइन बन जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर जो है ये सारे रोल तैयार कर लेंगे। इसको इस तरह हल्का सा दबाना है दोस्तों, ताकि इस पर जो डिजाइन है वो अच्छे से बन जाए। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है दोस्तों, हल्का लंबा ही करना है। सो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है सारे रोल तैयार कर लिए हैं, और दोस्तों हमारे जो रोल की डिजाइन है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और दोस्तों ये न्यू रेसिपी है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर सभी को इसी तरह अच्छी सी डिजाइन बना दी है दोस्तों। अब हम दोस्तों इस तरह इस कागज़ की कटोरी लगाकर इन सब को इस ट्रे में अच्छे से जमा कर रख देंगे। सो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है सारे रोल इस ट्रे में अच्छे से जमा दिए हैं। और दोस्तों इस रेसिपी को जो है मावा पेड़ा या मावा रोल रेसिपी भी बोल सकते हो। हमने यहाँ पर इसको अच्छे से पूरी तरह इस ट्रे में जमा दिया है, और अब हम इस पर दोस्तों डेकोरेशन के लिए इस पर लगाएंगे दोस्तों पिस्ता कतरन। इस तरह सभी पर थोड़ी थोड़ी पिस्ता कतरन लगा लेना है। पिस्ता दोस्तों थोड़ी थोड़ी ही लगाना है, ताकि इसका जो लुक है देखने में अच्छा लगे। ज़्यादा पूरी तरह इस पर भर भर के पिस्ता नहीं लगाना है। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर इस पर सारे पर पिस्ता लगा दी है। अब हम दोस्तों इस तरह इस पर एक हल्का सा स्टार बना देंगे दोस्तों, ताकि इसका जो देखने का जो लुक है वो अच्छा लगे। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है थोड़ा सा मावा लिया है, और मावे में हमने रसभरी रोज़ मिलाया है, और उसको हल्का सा बेलन से बेल लिया है, और इस सांचे से इस तरह हमने यहाँ पर इस सारे रोल पर जो इस तरह के स्टार बना लिए हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों इस चाकू की सहायता से इसके बीच में इस तरह दो कलर की लाइंस भी बना देंगे दोस्तों, ताकि हमारे जो ये रोल है देखने में काफ़ी अच्छे हैं और सुंदर लगे। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर सारे रोल पर जो है बीच में दो दो लाइन कलर की लाइन बना दी है दोस्तों। सो दोस्तों, हमारे जो मावा की फैंसी रेसिपी है दोस्तों तैयार हो चुकी है। और दोस्तों आप लोग बताना कमेंट करके कि हमारे जो मावा की फैंसी रेसिपी है दोस्तों आप लोगों को कैसे लगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।